इसलिए मैं माताओं बहनों से कहूंगा कि आप अपना विवेक जागृत करो। पुरुषों से भी कहूंगा जो ज्यादा चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, जो चिंता करते करते बदसूरत भी हो गए। 20 साल की उम्र में बहुत सुंदर थे, 30 साल की उम्र में थोड़ा कम सुंदर दिखाई दिए, 40 साल की उम्र में सुंदर तो है नहीं, 50 साल की उम्र में पूरे बंदर जैसे दिख रहे। कितने लोगों का मुंह इतना बिगड़ गया है, न जाने कितना टेंशन है, वो चिंता करने से बहुत नुकसान है। संतापाद भ्रष्यते रूपम, संतापाद भ्रष्यते बलम, संतापाद भ्रष्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधिम इच्छति। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो लोग चिंता करते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, उस टेंशन के प्रभाव से उनके शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है, सुंदर नहीं दिखाई दोगे। इसलिए जो चाहते हैं कि हमारी सुंदरता बहुत दिनों तक रहे, तो कृपया चिंता मत कीजिए। लेकिन चिंता कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि समस्याएं हैं, बेटी का विवाह करना है तो चिंता तो रहेगी, 10 लाख कर्जे में डूब गए तो चिंता तो होगी। विचारक ये भी कहते हैं, जिस बात की चिंता है, जिस कारण तुमको चिंता है, जिस वजह से चिंता है, और जिन जिन कार्यों की चिंता है, यदि जिसकी जिसकी तुम चिंता करते हो, उसकी व्यवस्था के लिए पहले से चिंता करते, तो आज उस कार्य की चिंता आपको करना ही ना पड़ता। पहले से उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर भवत यादृशी तादृशी यदि पूर्वम स्यात कस्य नाश सन्न महोदय। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, चाणक्य एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। आज भी जो बुद्धिमान ज्यादा होता, लोग उसे चाणक्य कहते हैं। वो चाणक्य के सिर में चोटी रहती थी, ये चोटी, छोटी सी चोटी, ये हिंदू धर्म का प्रतीक थी। कितने हिंदुओं ने चोटी कटा दिया है, खोपड़ी बच गई वही बहुत है। हाँ, चोटी कटा के घूम रहे हैं, न जाने कितना डरे हुए हैं कि चोटी सांप हो गई। कि तिलक भी हिंदू धर्म का ही प्रतीक है, तिलक, तिलक लगाना भी बहुत हिम्मत का काम है। कुछ लोग कहते तिलक लगाने से क्या होता है, जो होता है सो होता है, लगा कर देख लो क्या होता है, देखो तो लगाओ, तो इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं, एक दिन लगाओ, जो होता होगा हो जाएगा तुम्हारे साथ। खाम खा तर्क करते तिलक लगाने से क्या होता है, तो ना लगाने से क्या होता है ये तो बता दो, बड़े तार्किक हो तुम, बताओ ना लगाने से क्या होता। ये भैंसा, ये बैल, ये घोड़ा, हाथी, गधा कभी तिलक नहीं लगाते तो क्या होता उनका। तिलक भी तो केवल मनुष्य ही लगा सकता है, पशु पक्षी तिलक नहीं लगा सकते हैं। तो मनुष्य अगर तिलक लगाता है तो याद रखना, कुछ ना कुछ उसके अंदर धर्म के प्रति प्रेम है, भक्ति के प्रति रुझान है, इसलिए वह तिलक लगाता है। महिलाएं बंधन लगाती, जिनकी शादी हो जाती, जिनकी शादी नहीं होगी
तो फिर मस्तक साधा रखती है, मस्तक से ही उनके पता चलता है कि अभी ये लड़की की शादी नहीं हुई है, यहां बंधन लग गया। ये मांग भरी जाती है ना, वो पहचान है। अब लेटेस्ट मॉडल की स्त्रियां बॉम्बे और दिल्ली की, तो बंधन वंदन कुछ नहीं, वो खोपड़ी में बाल है वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वो खोपड़ी का मुंडन करा के घूमेगी, बहुत पागल है। बहुत मजा आता है, मैं तो देखता हूं इन पागलों को, तो मुझे हंसी भी बहुत आती, ये क्या कर रहे लोग। तुम भी थोड़ा हंसा करो जोर से, तुम डरे डरे हंसते हो। अभी तक हंस रहे थे, उसमें आवाजें नहीं आ रही थी, खाली दांत निकालत, दांत तो जब आवाज नहीं आती दांत निकाल कर दूसरे काट लेता आदमी, हंसना आवाज निकलती। तिलक और बंधन का भी बहुत महत्व है। तुम तिलक लगा करके शराब की दुकान पर शराब खरीदने के लिए तुम्हारा मन हिम्मत नहीं करेगा। अगर तिलक लगा हो और शराब की दुकान पर जाना हो खरीदना हो तो तुम्हारा मन हिम्मत नहीं करेगा। फिर हैंड पंप में जाकर तिलक धोगे, फिर जाकर शराब खरीदोगे। तिलक लगाने से ये होता है, और क्या होता है। तिलक ना लगाने से ही फायदा यह है, धोना नहीं पड़ेगा, चाहे जब जहां चले जाओ। चोटी रखना बहुत अच्छी चीज है। कहते हैं चोटी जो है उससे भी थोड़ा बुद्धि विकसित होती है, इसलिए हिंदू धर्म में चोटी का महत्व है। आइए, उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी। जब तुम्हें पश्चाताप होता है, दुख होता है, ग्लानि होती है, चिंता होती है, तो बड़ी अच्छी बात चाणक्य कहते हैं। चाणक्य कहते हैं जिस समय तुम दुख में पड़ जाते हो या तुमसे कोई गलती हो जाती है और तुम्हारा अपमान होता है, या तुमसे चूक हो जाती है, धन का नुकसान हो जाता है, या तुमसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी टूट गई, कुछ लोगों को चोट लग गई, गाड़ी पकड़ ली गई, लोगों ने फूंक दिया, या तुमको भी थोड़ा मारा पीटा, पुलिस वाले आ गए, चालान हो गया, गाड़ी थाने में खड़ी हो गई, कोर्ट केस हो गया, और कोर्ट में वकील तुम्हारे सेवा के लिए इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब आओगे, लड़ भिड़ कर कुछ करके आओ, तो स्वागत है आपका मेरे द्वार। तो आपकी ये सब घटना हो, या आपकी पत्नी नाराज होकर मायके भाग गई, या आपका पुत्र रूठ गया और घर से नाराज होकर कहीं भाग गया, या आपकी बेटी कुछ असंतुष्ट होकर या किसी के आकर्षण में भाग गई। कई तरह से लोग घर से भागते हैं। घर से भागना कोई बहादुरी का काम नहीं, कोई महानता का काम नहीं। किसी को साधु बनना, वो भी घर छोड़कर भाग जाता है, चुप्पे से भाग गया, साधु बन गया। घर छोड़ना, घर से भागना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किस उद्देश्य के लिए तुमने घर छोड़ा है, किस उद्देश्य के लिए तुमने घर को त्याग किया है, किस बहुत बड़े उद्देश्य के लिए फैमिली छोड़कर तुम गए हो। अगर वो उद्देश्य महान है तो तुम्हारा त्याग करना
तुम्हारा कल्याण कर सकता है, अन्यथा ये त्याग भी केवल फालतू नाटक। बहुत लोग घर छोड़कर भागते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध भी घर छोड़कर गए थे, पर वे भगवान बन गए थे, भगवान बुद्ध कहलाए। भगवान श्री राम भी 14 साल के लिए घर छोड़कर गए थे, वो भागकर नहीं गए थे, वो भेजे गए थे। पर विदुर जी कहते हैं अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या, बिना विशेष उद्देश्य के, बिना महान कार्य का लक्ष्य अगर नहीं है तो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने घर के आवश्यक कार्यों को पूर्ण करना चाहिए, घर और घर वालों को संभालना चाहिए, इधर उधर व्यर्थ में घूमना नहीं चाहिए, तो आपकी जिंदगी में सुख आएगा। घूमने